राउरकेलार झील काजल पांडे एवं वर्ल्ड रेकर्ड करने को जाऊँच तेज आम सहित से सीधा सख भाव रही है प्रतिक्रिया नाकू जाना ये वर्ल्ड रेकर्ड जो करने एल्बो स्ट्राइक्स कहते ताइक्वांडो भाषा प्रतिक्रिया ना ये वाला जो रेकर्ड है ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया है। ये रेकर्ड का नाम है मोस्ट एल्बो स्ट्राइक्स इन वन मिनट ऑन पंचिंग बैग। ये रिकॉर्ड 7 डिफरेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जाने वाला है। और ये वाला जो रिकॉर्ड मैंने 13 तारीख को अटेम्प्ट किया जो कि ऑफिशियल अटेम्प्ट था मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, इसमें मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 291 एल्बो स्ट्राइक्स इन 1 मिनट करके ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। 7 डिफरेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है, इसके लिए ये भेजा गया। गिनीज बुक के लिए मैंने इसको क्लेम किया है, अभी उसमें प्रोसेस बहुत लंबा है, पर जो 7 और है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये ऑलरेडी जा चुका है और वेरिफिकेशंस वहाँ से आना शुरू भी हो चुके हैं। ताइक्वांडो मैं बेसिकली मेरे को 10 साल हो चुका है सीख करते हुए। मैं मेरे मास्टर जो कि मेरे शुरू से गुरु रहे हैं, मास्टर आकाश कुमार नायक के अंडर में ही, उनके गाइडेंस में ही सारी चीज़ें करती हूँ। और मैं जो आज के जनरेशन है उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी। पहली चीज़ जो मैं जानती हूँ, जैसे कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं काफ़ी सारे कैंपेन्स करती हूँ ताकि स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो ग्रो करे हमारे इंडिया में, क्योंकि हम तो खाली गेम बोलने से क्रिकेट हॉकी यही सबको जानते हैं, मार्शल आर्ट वो भी ताइक्वांडो को अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं मिला। तो मैं बच्चों को और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं उनको बस यही कहूँगी कि पहली चीज़ अवेयरनेस लाइए, जानिए उस गेम के बारे में, समझिए कि हाँ वो आपके लिए सही है कि नहीं है। उसके बाद एक अच्छा गुरु ढूंढिए, क्योंकि मुझे तो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर मिले मास्टर आकाश कुमार नायक। सो वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि एक अच्छा गुरु ढूंढिए और अपने लक्ष्य के लिए टाइम लगेगा, मुझे भी 10 साल लगा बट टाइम लगेगा, पर सफलता जरूर हासिल होगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड का ख्याल हम लोग 2018-19 में हैदराबाद गए थे गिनीज बुक करने के लिए, 1 लाख किक इन 1 आवर जो कि हमारा टीम इवेंट था, वहां गए थे। तो वहां मैंने देखा था कि एल्बो स्ट्राइक से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकते हैं। तो मैंने देखा कि सबको किक पैड में एल्बो स्ट्राइक करते हैं, बट मैं यहाँ पे आई और मैं पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करना चालू कर दी। 2 साल के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं तैयार हूँ। मैंने अपने मास्टर से पूछा कि सर क्या मैं ये रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, सर ने प्रॉपर गाइडेंस दिया, सर ने कहा कि हाँ कर सकते हो। मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वही आते थे मुझे प्रैक्टिस करवाने, मेरा छोटा भाई आता था साथ में, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की। और फिर जा करके मैंने ये 7 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया 13 तारीख को जी। मतलब 7 में से 3-4 के वेरिफिकेशंस आ चुके हैं, बाकी के भी बहुत जल्दी आएंगे ताकि फिर मैं एक ही साथ मीडिया में वो सारी चीजें पब्लिश करवाऊंगी।